जी मैक्सिमम प्राइस, जिसका दूसरा नाम प्राइस सीलिंग भी होता है। तो ये प्राइस कंट्रोल क्या करता है कि ये इससे ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं होने देता, मतलब इन द मार्केट नो वन कैन चार्ज हायर देन दिस प्राइस। कम करनी है कर ले, ज्यादा नहीं कर सकता। अब रीजन ये कि इसका ये क्यों किया जाता है, मैक्सिमम प्राइस क्यों रखी जाती है, वो इसीलिए कि इसका मेन पर्पज होता है कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि जैसे ये अभी यहां पर अगर हम डायग्राम को देखें तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो पीई है, और मैक्सिमम प्राइस हमें नजर आ रही है रेड लाइन में जो कि बिलो द इक्विलिब्रियम है। तो याद रखना है, नाम से कंफ्यूज नहीं होना, मैक्सिमम प्राइस इज ऑलवेज चार्ज्ड बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, अदरवाइज वो अफेक्टिव नहीं कहलाएगी। अब ये द वर्ड अफेक्टिव जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इफेक्टिव का वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने लेट से एक बच्चे को सवाल दिए करने के लिए 1 घंटे में 10, उस बच्चे ने आधे घंटे में सवाल कर लिया। तो मैंने उस बच्चे को कहा, बेटा बहुत एफिशिएंट हो। अच्छा, जब मैंने सवाल चेक किए तो 10 में से 5 सवाल गलत थे। तो मैं कहूंगा, बेटा आप एफिशिएंट तो थे लेकिन आप इफेक्टिव नहीं थे। इफेक्टिव का मतलब है कि आपको जो टारगेट दिया गया था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो आपने सक्सेसफुली मीट नहीं किया। इफेक्टिव का वर्ड इसलिए आता है। तो इसी तरह से जब मैं ये कहता हूं कि मैक्सिमम प्राइस विल बी इफेक्टिव ओनली व्हेन इट इज सेट बिलो द इक्विलिब्रियम, क्योंकि मैक्सिमम प्राइस का मकसद होता है कंज्यूमर को रिलीफ देना। तो जो प्राइस ऑलरेडी कंज्यूमर पे कर रहा है, गवर्नमेंट को लगता है दिस इज अनफेयर, तो फिर ऑफ कोर्स वो नीचे सेट करना है ना अपने मैक्सिमम प्राइस, तो अदरवाइज कंज्यूमर को कैसे रिलीफ मिलेगा? वो नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम ऊपर चार्ज कर देते हैं, फर्ज किया आप पीई से ऊपर चार्ज कर दें, अगर मैं इसको डायग्राम से दिखा देता हूँ 1 मिनट। जैसे हमारे पास ये डिमांड और सप्लाई है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है, ये प्राइस है, ये हमारे पास क्वांटिटी है, और आपने मैक्सिमम प्राइस ऊपर चार्ज किया। फॉर एग्जांपल, तो ये प्राइस आपने चार्ज कर दी, मैं तो मैक्स बोल सकता हूं, हम इसको बोलेंगे ये इन इफेक्ट, मतलब ये अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकता। वजह ये कि अभी कंज्यूमर जो है वो पे कर रहा है ओपी प्राइस। अब मैक्सिमम प्राइस P1 है, विच इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो जो प्रोड्यूसर चार्ज कर रहा है प्राइस, उसको तो कोई टेंशन नहीं है। वो कहेगा जी कि जी मैं तो अभी भी मैक्सिमम प्राइस से कम चार्ज कर रहा हूं, मैं ऊपर तो नहीं गया। तो इसका मतलब है जो प्राइस चार्ज हो रही है वो ही चार्ज होती रहेगी, और अगर कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो रहा है, जो प्राइस चार्ज की जा रही है वो अनफेयर है, तो कंज्यूमर वही प्राइस पे करता रहेगा, और वो जो मैक्सिमम प्राइस ऊपर रखी हुई है उसका कोई फायदा नहीं होगा, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन किसी भी तरह से नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप प्राइस को नीचे चार्ज कर देते हैं, मिनिमम सॉरी मैक्सिमम प्राइस, तो ये आपकी इफेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि अब इससे ऊपर कोई भी प्रोड्यूसर चार्ज नहीं कर सकता। तो कंज्यूमर को फायदा ये हो जाएगा कि उसको अब कम प्राइस पे करनी पड़ेगी। जैसे हम कहते हैं कि अगर पहले प्राइस 100 थी तो अब कंज्यूमर को लेट से 90 पे करनी पड़ेगी, तो कंज्यूमर का ऑफ कोर्स फायदा हो जाएगा, उसको इस तरह से प्रोटेक्शन मिल रही है, उसको सस्ती चीजें मिल जाएंगी, और कंज्यूमर कैन स्पेंड मनी टू बाय अदर गुड्स एज वेल विच द कस्टमर वॉज नॉट एबल टू बाय अर्लियर, और उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ सकता है। ये तो हम इसकी इस तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक इशू हमें जरूर नजर आता है, और वो क्या कि जब आपने प्राइस को, अब प्राइस कम हो गई, मतलब गवर्नमेंट ने जब मैक्सिमम प्राइस लगा दी, तो प्रोड्यूसर हैज टू चार्ज 90, देयर इज नो वे आउट। तो अब उससे क्या होगा, हमें पता है अच्छे से कि जब प्राइस कम होती है तो सप्लाई में कॉन्ट्रेक्शन होती है, तो मूवमेंट अलोंग द कर्व टू द लेफ्ट साइड होगी, सप्लाई यहाँ आ जाएगी। इसी तरह डिमांड में मूवमेंट अलोंग द कर्व टू द राइट होगी, एक्सटेंशन होगी,
और वो यहाँ आ जाएगी। ये तो हमें पहले ही पता है। तो हमारे पास ये ए और बी पॉइंट हमें जो नजर आ रहे हैं, ये इसका गैप आ जाएगा ए और बी। और ये जो गैप आ जाता है इसको क्या बोलते हैं, गैप को क्या भला, ये इसके लिए क्या इकोनॉमिक टर्म इस्तेमाल हो रही है, तो याद आ रहा है? हम इसको बोल सकते हैं, यहां पर क्या हो रहा है कि बी डिमांड को शो कर रहा है, ए सप्लाई को शो कर रहा है। तो डिमांड ज्यादा है ना, मैं अगर इसको नीचे ड्रैग करूं, ये डिमांड का को नीचे ड्रैग किया तो डिमांड तो इतनी है और सप्लाई कितनी है ए पे, ये नीचे ड्रैग किया सप्लाई इतनी है, तो डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो गई है। इसका मतलब है हम इसे कहेंगे ये एक्सेस डिमांड है। एक्सेस डिमांड का के लिए हम दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड शॉर्टेज। शॉर्टेज हो गई, यानी कि जितनी डिमांड की जा रही है उतनी प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है मार्केट, तो इश्यू आ गया। अब इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने तो 90 सेट की है, जिनको 90 पे चीजें मिल रही हैं, क्योंकि एटलीस्ट यहां तक तो सप्लाई हो रही है ना हमें क्यू एस तक, तो वहां तक तो कॉन्ट्रोवर्सी किया है क्यू एस, मैं अज्यूम करता हूँ कि ये 20 है, ठीक है जी, ये आगे 30 है और ये है 50 डिमांड। तो डिमांड 50 है, सप्लाई 20 है, तो इसका मतलब है कि 20 कस्टमर्स को तो चीजें मिल जाएंगी 90 पे, उनका तो बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन बाकी जो 30 कस्टमर्स हैं या जो 30 प्रोडक्ट्स जिन्होंने लेने हैं उनको वो चीज मिलेगी नहीं। तो अब तो वो प्रॉब्लम ये होगी कि जब ये हो जाएगा, और इसमें गवर्नमेंट का विजिलेंट होना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को चाहिए कि वो इसको, ये जो शॉर्टेज आ रही है इसको ना होने दें। अच्छा, इसके बहुत से तरीके हैं, लेकिन बहरहाल हमें इससे ज्यादा बात नहीं करनी अगेन, क्योंकि ये फिर थोड़ा एडवांस लेवल पे चला जाएगा और ए लेवल में आ जाता है। लेकिन हम ये बात करेंगे कि गवर्नमेंट को विजिलेंट होना है कि ये शॉर्टेज जो है वो ना क्रिएट हो। अच्छा, और ये अगर क्रिएट होती है तो इससे क्या होता है, मैं आपको वो बताने लगा हूं। तो गवर्नमेंट को क्या करना है, जब ये शॉर्टेज आ गई ए से बी के दरमियान हमें नजर आ रही है, तो इसको हम इससे इट इज अ कॉज ऑफ ब्लैक मार्केटिंग। ये वर्ड सुना है आपने कि नहीं, क्या यस होती है? सर, वो आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करते हैं, स्टॉक कर लेते हैं और फिर उसको इलीगली ज़्यादा प्राइस पे बेचते हैं कस्टमर्स को। एग्जैक्टली, इसका मतलब यह है कि अगर प्रोड्यूसर्स के पास वो चीजें पड़ी भी हुई हैं तो वो उसको सेल के लिए अवेलेबल नहीं करते। मतलब मैंने सप्लाई आपको दिखाया कि सप्लाई में कॉन्ट्रैक्शन हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास प्रोडक्ट्स नहीं है, इसका मतलब है वो विलिंग नहीं है बेचने के लिए। तो सप्लाई का तो बाय डेफिनेशन यही होता है ना, विलिंग एंड एबल टू प्रोड्यूस एंड सेल। तो कोई अगर विलिंग नहीं है तो वो सप्लाई का पार्ट नहीं होगी, तो और अगर वो नेसेसिटी है तो फिर तो और प्रॉब्लम हो गई। लोगों को लेनी तो है, आटा है, चीनी है, फर्ज किया, या और कोई चीज है। तो ब्लैक मार्केटिंग असल में आप कह लो कि ये इलीगल मार्केट होती है, और वही अनलॉफुल प्रैक्टिस है ये, अगेंस्ट द लॉ। और ऑफ कोर्स इस पे आपको पेनल्टी भी हो सकती है गवर्नमेंट की तरफ से। आप इस ब्लैक मार्केट में क्या करते हैं, वही आपने जैसे कहा कि आर्टिफिशियल शॉर्टेज जान के सप्लाई को रोकती है ताकि लोगों को चीज ना मिले। लोग जो है ना वो ख्वार होंगे, रेस्टलेस हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे फिर ब्लैक मार्केटिंग के दिए में, आप दुकान पे जाएंगे, थोड़ी सी चीनी लेनी है, चीनी जो है वो 90 की ले की जा रही, तो आप कहेंगे यार भाई पैसे कितने नहीं, ले लो चीनी ले लो, खुद आपके लिए नहीं मिल रही। वो क्या करेगा फिर, वो कहेगा ठीक है भाई मैं आपसे 110 रुपये चार्ज करूं। यानी कि जो प्राइस पहले थी इक्विलिब्रियम प्राइस 100, जो गवर्नमेंट को लग रहा था इट इज अनफेयर, उससे भी ज्यादा चार्ज हो गए। ये है नुकसान सॉरी ब्लैक मार्केटिंग का, और ये ब्लैक इकोनॉमी का पार्ट है। ब्लैक इकोनॉमी क्या होती है, हर तरह की इलीगल प्रैक्टिस, इलीगल ट्रेडिंग, इलीगल बाइंग एंड सेलिंग, वो ब्लैक इकोनॉमी में होती है। और वो तो ब्लैक मार्केटिंग में ये काम चलता है, ब्लैक इकोनॉमी में ब्लैक मार्केटिंग होती है। तो अब कंज्यूमर, ये क्या हुआ, कंज्यूमर को
मैक्सिमम प्राइस के नतीजे में पहले से ज्यादा प्राइस पे करनी पड़ गई किनको, जिनको अवेलेबल नहीं है, जिनको अवेलेबल हो गई दे गेट द मैक्सिमम बेनिफिट, उनको 90 की चीज मिल रही है, जिनको नहीं मिल रही उनको 100 की भी नहीं मिल रही। तो ये प्रॉब्लम से कंज्यूमर का लिविंग स्टैंडर्ड तो और गिर जाएगा, जो वो पहले पैसे बचाकर या 100 की मिल जानी थी या 90 की मिल जाती आफ्टर मैक्सिमम प्राइस, वो नहीं मिलनी उनको। तो ये फर्दर जो है ना वो लिविंग स्टैंडर्ड को लो करेगा गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट को क्या करना है कि गवर्नमेंट को इंस्पेक्ट करना है, इंस्पेक्टर्स मस्ट विजिट वेयर हाउसेस, गोडाउन, फैक्ट्री एरिया, के वहां देखे कहीं इन्होंने स्टॉक करके तो नहीं रखा हुआ। और ऐसा होता है फिर वो छापे मारते हैं और उसके नतीजे में फिर वो क्या कहते हैं, वो बरामद भी कर लेते हैं कि जी अच्छा जी आपने ये बोरियां आटे की थी रखी नहीं छुपा कर, और फिर फाइन भी होता है, वो बोरियां भी उनसे ले ली जाती है ऑफ कोर्स। तो ये लेकिन ये तभी होगा ना जब गवर्नमेंट के ऑफिशियल इतने विजिलेंट होंगे एंड दे विजिट एवरी सिंगल एरिया वेयर दिस कैन बी डन, यानी कि जहाँ पे आर्टिफिशियल शॉर्टेज की जा सकती है या उन आइटम्स को स्टोर करके रखा जा सकता है टू क्रिएट आर्टिफिशियल शॉर्टेज। तो अगर गवर्नमेंट ये नहीं करेगी तो मैक्सिमम प्राइस का फायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान होता है। ये समझ आती है ना आपको? यस सर। अच्छा एक ना हम मैंने आपको ब्लैक इकोनॉमी के बारे में बताया, तो अब वो जिसमें सारी इलीगल प्रैक्टिस होती है, एक ना फॉर्मल इकोनॉमी और इनफॉर्मल इकोनॉमी भी होती है, फर्क पता है दोनों में? वैसे मेरे जेन में आया तो मैंने कहा चलो आपसे डिस्कस कर लूं। फॉर्मल नो इकोनॉमी सर। नहीं, अच्छा फॉर्मल इकोनॉमी ये है कि आप लेट से यू डू अ जॉब समवेयर, यू गेट अ मंथली सैलरी, और वो आप रजिस्टर्ड हैं एज एन एम्प्लॉई इन ए सर्टन ऑर्गेनाइजेशन, और आपका सारा डेटा गवर्नमेंट के पास मौजूद है क्योंकि आपका टैक्स उसमें से दिया जाता है। कौन देता है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपकी सैलरी में से काट लेती है और वो गवर्नमेंट को दे देती है। जैसे पाकिस्तान में जो टैक्स का सबसे बड़ा इदारा है वो है FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, नाम सुना हुआ है? यस सर। तो वहां पे टैक्स जमा करवाया जाता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन खुद ही करवा देगी जमा, तो आपका डेटा भी आ जाता है उसके पास कि जी ये बंदा यहाँ काम करता है इतनी सैलरी लेता है। तो ये और पता चल जाता है कि अच्छा ये, और इसी तरह कोई बिजनेस है वो रजिस्टर्ड है, अच्छा ये कंपनी काम करती है, इसको इतना प्रॉफिट होता है, ये इतना रेवेन्यू कमाता है, ये है जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, ये फॉर्मल इकोनॉमी है, गवर्नमेंट के नोटिस में है। अच्छा इनफॉर्मल इकोनॉमी वो है जो इलीगल तो नहीं है, प्रैक्टिस लीगल ही है लेकिन उसका गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। और कई लोग हैं जो टैक्स से बचने के लिए भी ऐसा करते हैं गवर्नमेंट को ना पता चले। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जरूरी है कि वो इलीगल प्रैक्टिस हो, वो लीगल होती है लेकिन गवर्नमेंट को नहीं पता। जैसे कोई बंदा रेडी चला रहा है, अब रेडी चला रहा है तो जेब से बेच रहा है, पैसे ले रहा है ना, लेकिन गवर्नमेंट को तो नहीं पता चल रहा कि ये आ रहा है। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपसे फी चार्ज कर रहा हूँ, अब गवर्नमेंट को तो नहीं पता, अब है ये लीगल प्रैक्टिस लेकिन गवर्नमेंट के नोटिस में नहीं है, तो इसको बोलते हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट अपनी GDP कैलकुलेट करते हुए इसको कंसिडर ही नहीं करता, उनको पता ही नहीं चलता कि अच्छा ये भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है या ये भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है वगैरह वगैरह। बहरहाल तो ये बहरहाल मैंने आपको ऐसे बताना था। तो अच्छा ये तो हो गया जी मैक्सिमम प्राइस की, इसमें इसको सवाल है आपका? नो सर। ओके ऑल राइट, तो हम आगे चलते हैं और नीचे जो एक्सप्लेनेशन हुई हुई है वो आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हुई वो तो मुझे बता दीजिएगा। अब हम आ जाते हैं जी मिनिमम प्राइस पे, और अच्छा ये इनफेक्टिव प्राइस लिए तो मैंने बता दिया ना, इफेक्टिव क्या होती है इनफेक्टिव क्या होती है ये तो बात हो चुकी। अब आ गया मिनिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस जो है उसको प्राइस फ्लोर भी बोलते हैं, और इसके पर्पस दो हैं। इसके मतलब इसका क्या है कि अब गवर्नमेंट ने एक प्राइस सेट की है, यू कैन नॉट चार्ज बिलो देन दैट। अब आपके ये तो कंज्यूमर के लिए नुकसानदेह है कि आप इससे कम चार्ज नहीं कर सकते, तो मिनिमम प्राइस कंज्यूमर को बेनिफिट देने के लिए सेट भी नहीं की जाती। इसका पर्पस और है, इसका पर्पस है प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करना। गवर्नमेंट को लगता है कि प्रोड्यूसर जो प्राइस ले रहा है इट इज अनफेयर। जैसे कि अब प्रोड्यूसर्स में अगर मैं बात करता हूँ फार्मर्स की, एंड दे आर पुअर, पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं एंड दे आर पुअर,
और उनकी दे डू नॉट हैव एक्सेस टू मेन मार्केट्स, जहां पर उनको अच्छा रेट मिलता है या मार्केट का रेट मिलता है जो उस वक्त प्रिवेलिंग प्राइस चल रही होती है. वो चूंकि वहां तक नहीं जा सकते, तो वो बीच में जो मिडल मैन होते हैं वो उनसे चीजें खरीद के आगे मार्केट ले जाते हैं, वो खुद महंगा बेचते हैं, फार्मर बेचारे को बहुत ही कम प्राइस पे वो बेचना पड़ जाता है. और आपको पता है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स तो वैसे भी लंबे अरसे तक स्टोर की नहीं जा सकती हैं, दे आर मोर और लेस पेरिशेबल, तो उनको जल्दी करनी पड़ती है और उनको अच्छा रेट नहीं मिलता. तो गवर्नमेंट, और जाहिर अगर फार्मर जो है ना वो अच्छा नहीं कमा रहे, वो गरीब हैं, तो मुल्क के लिए क्या वो प्रोड्यूस करेंगे. और आपको पता है कि फूड अगर आपने प्रोड्यूस करना है, जैसे फार्मर्स की बात कर रहे हैं, तो फिर तो इकोनॉमी तो उस पर बेस्ड है ना, एसेंशियल है फॉर सर्वाइवल, तो उनको उनकी तो सपोर्ट बनती है. तो गवर्नमेंट उनको मिनिमम प्राइस सेट करके देती है कि इससे कम प्राइस पे आप कोई आपसे खरीद ही नहीं सकता चाहे भी. तो इसका मतलब है जो भी खरीदेगा आपसे उसको वही प्राइस देनी है जो गवर्नमेंट ने रखी है या उससे ज्यादा देनी. तो अभी इस डायग्राम में हमें पीई नजर आ रही है प्राइस इक्विलिब्रियम की, और गवर्नमेंट को लगता है दिस इज अनफेयर, तो गवर्नमेंट ने ऊपर रेड लाइन जो मैंने शो की है मिनिमम प्राइस चार्ज कर ली, सेट कर दी. तो अब प्रोड्यूसर को इतनी तो प्राइस मिलनी है जिससे प्रोड्यूसर को वो एक अच्छा रेट मिलेगा, उससे फिर वो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर कर सकता है, या जो आगे उसने क्रॉप उगानी है उनके लिए बेटर फर्टिलाइजर्स, सीड्स, लैंड को फर्टाइल करना है, तो वो सारी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकता है. अदरवाइज तो फूड की क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी ना, अगर फार्मर इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस इट वेल ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंस. अच्छा, इसको भी हम जरा डायग्राम से देख लें. एक तो ये वजह है कि आपने प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करना होता है. एक मिनट, ये जा नहीं रहा, एक मिनट इसको देखेंगे, जस्ट ना. अच्छा, हो गया. तो मिनिमम प्राइस में हम वही ये डिमांड सप्लाई डायग्राम बना दिया हमने, ये प्राइस आ गई, ये क्वांटिटी आ गई. और गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस इज ऑलवेज इफेक्टिव व्हेन इट इज चार्ज, या सॉरी, इट इज सेट अबव द मार्केट प्राइस. ठीक है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मिनिमम शायद नीचे होती है. नहीं, हमने देखना है पर्पस क्या, मिनिमम प्राइस ये है और ये इफेक्टिव, मतलब ये अपने पर्पस को सर्व करेगी, यानी कि प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करेगी. प्रोड्यूसर को जो प्राइस अभी 100 मिल रही है वो उसको 110 अब कम से कम जरूर मिलेगी, जो गवर्नमेंट को लगता है कि मिलनी चाहिए. तो ये प्रोड्यूसर का फायदा हो रहा है जो कि गवर्नमेंट चाह रही है. अच्छा, इसका एक और भी पर्पज है, और वो क्या है, अभी हम और आगे भी चलते हैं. अभी वो है कि टू स्टॉप द कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स. वो चीजें जो हमने पढ़ा था कि जैसे हम कहते हैं कि जिनका अफेक्ट जो है वो दूसरों को भी होता है, एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन दे आर ओवर कंज्यूम्ड. पर्सन हु इज यूजिंग इट डज नॉट नो द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग दैट प्रोडक्ट ऑन अदर्स, जिसकी वजह से वो उसको ज्यादा कंज्यूम करता है और सोसाइटी को उसका नुकसान हो रहा होता है, तो रिसोर्स का इनएफिशिएंट यूज होता है, मार्केट फेल होती है, हमने पढ़ा. तो जब आप प्राइस बढ़ा देते हैं तो ऑफ कोर्स क्या होता है कि डिमांड ऑफ कोर्स आपकी चली जाती है, लेफ्ट साइड पे मूवमेंट अलोंग द कर्व होती है, कॉन्ट्रैक्ट होके यहां पहुंच जाती है. लेकिन जब प्राइस आप बढ़ाएंगे तो ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर के लिए तो इंसेंटिव है, कीमत बढ़ रही है, वो प्रोडक्शन बढ़ाता है और वो यहाँ पहुंच जाता है. अब यहाँ पर भी ये एक्स और वाई, ये दो पॉइंट आ गए. अच्छा, अब पर्पस तो सब हमने किया, क्या मैं डीमेरिट गुड्स की कीमत बढ़ा दी, अब लोग नहीं ले रहे, कंज्यूम तो नहीं हो रही लेकिन प्रोड्यूस तो हो रही है. इसी तरह प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करना है आपने, तो प्रोड्यूसर को अब रेट तो अच्छा मिल रहा है, जैसे कि मैं कहता हूँ यहाँ इतनी डिमांड है. ठीक है, तो अब मैं इसको अगर कोई नंबर दे दूं कि अगर फर्ज किया ये 40 थी पहले और ये लेट से 20 है, तो अब 20 चीजें जो प्रोड्यूसर बेच रहे हैं उस पे तो उनको रेट 110 का मिलेगा. 20 से आगे जब आप जा रहे हैं, क्योंकि सप्लायर जो है वो प्रोड्यूसर वो इनकरेज हो रहा है क्योंकि कीमत ज्यादा है,
वो 60 प्रोड्यूस कर रहा, तो गैप आ गया इतना। और ये गैप है क्या बोलेंगे जी, सरप्लस। और ये आ गया ये एक्सेस सप्लाई या इसमें सप्लाई। तो सरप्लस आ गया। अब जिन प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्ट को बेच सके उनका तो फायदा हो गया, उनको अच्छा रेट मिल गया, लेकिन जो बेच ही नहीं सके वो तो कहेंगे यार 100 ही ठीक थी, कम से कम बिक तो रही थी ना, क्योंकि यहाँ पर डिसइक्विलिब्रियम आ गया जितना मैक्सिमम प्राइस में भी आया था शॉर्टेज की शक्ल में, तो यहाँ सरप्लस की शक्ल में डिसइक्विलिब्रियम आ गया। तो उन्होंने कहा भाई कम से कम 100 पे हमारी चीजें तो सारी बिक रही थी, यहाँ तो चीजें बिक ही नहीं रही, रेवेन्यू आ ही नहीं रहा 20 के बाद, तो अब यहाँ की प्रॉब्लम आ गई। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर भी गवर्नमेंट को रोल प्ले करना है, गवर्नमेंट नीड्स टू बी विजिलेंट ताकि प्रोड्यूसर को पूरा पूरा बेनिफिट मिल सके। इसमें भी बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि अगेन एडवांस लेवल पे हम चले जाते हैं, फिर भी किसी हद तक आपको बता देता हूँ जैसे मैंने मैक्सिमम प्राइस का बताया। अभी यहाँ पे रिसोर्सेज का ज्यादा यूज हो रहा है और वो मतलब यूज हो रहा है और वो चीज बिक नहीं रही, तो रिसोर्स भी जाया हो रहे हैं और वो प्रोडक्ट भी बन रही है और इस्तेमाल नहीं हो रही, तो बेहतर नहीं है कि उसको या तो कहीं और इस्तेमाल किया जाए, या फिर वो जो अब होगा क्या कि जब ये गैप आ गया एक्सेस सप्लाई आ गई, प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर के पास जो एक्सेस सप्लाई पड़ी हुई है वो उसको कैसे बेचेगा, क्या करेगा, डिमांड नहीं, बताओ। सर उसको कम प्राइस में बेचेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आप सही कहती हो, बताती है आप सही हो, लेकिन बाद का बताते हुए ना आप कॉन्फिडेंट नहीं होती, लेकिन बता सही रही होती हो तो खैर ठीक है। बिल्कुल वो कम कर देगा और होगा ये कि वो जो आपका गैप है जो प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बेचेगा वो उसको 90 का बेचना पड़ जाएगा, यानी कि जो पहले प्राइस पे बेच रहा था उससे भी कम पे, लेकिन यहाँ पर भी वो 90 का बेचेगा, तो अगेन ये एक इलीगल फैक्ट है, यानी कि ये भी ब्लैक इकोनॉमी का ही पार्ट है, आप ये नहीं कर सकते, जो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो आपसे कह रहे हैं 90 का दे दो भाई तब लूंगा, यानी कि वो लेना तो चाह रहे हैं, तो डिमांड भी तो ऑटोमेटिकली कम कर सकते हैं ना आप, यार अभी नहीं करते इनको जरा पता चले कैसे बेचते हैं हम भी देखते हैं, तो वो फिर ये भी इलीगल प्रैक्टिस है, तो ये भी गवर्नमेंट पकड़ सकती है कि भाई इतने पे कैसे बेच रहे हैं, फार्मर बेचारा क्या करे। इसका एक तरीका है, तरीका ये है कि एक तो आप ये तरीका कि ऐसा ऐसी प्रैक्टिस ना होने दें, अच्छा दूसरा फ्रीक्वेंट आप विजिट कर सकते हैं देखने के लिए, और ये अशोर कर सकते हैं कि बिल दिया जाए, तो नॉर्मली जब ये इलीगल प्रैक्टिस होती है ना 90 का बेचेंगे तो बिल नहीं देंगे आपको, कभी भी नहीं देंगे बिल, बिल तो प्रूफ आ गया कि आपने घर को नहीं काम किया। इसी तरह मैक्सिमम प्राइस में भी जब वो शॉर्टेज हो जाता है और जो कीमत है वो ज्यादा एक कंज्यूमर को पे करनी पड़ती है, तो वहां पर भी बिल नहीं देते, बिल देंगे तो वो तो पता चल जाएगा जी कि मामला खराब है, तो आप अश्योर करें कि आपके सारे प्रोडक्ट जो बिके उनकी क्या कहते हैं ट्रांजैक्शन जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिकली उसका प्रूफ होना चाहिए। अच्छा दूसरा गवर्नमेंट ये कर सकती है कि अगर ऐसा हो जाए तो गवर्नमेंट खुद खरीद ले, वो गवर्नमेंट खुद खरीद के स्टॉक कर ले, क्योंकि फार्मर बेचारा गरीब होता है, उसके पास वो बनाए क्या, उसने अपना रोजगार भी चलाना है फैमिली को भी सपोर्ट करना है, तो वो तो वेट नहीं कर सकता, उसको तो जल्दी पैसे चाहिए ताकि अपनी जरूरतें पूरी करे, तो गवर्नमेंट उसको खरीद सकती है, तो गवर्नमेंट डिमांड कर ले उतनी, कैसे ये देखो सिर्फ बता रहा हूँ आपको ना, गवर्नमेंट ने ये डिमांड का राइट पे क्यों चला, गवर्नमेंट ने खरीद लिया। अब बताओ अब कोई सरप्लस है, अब अगर 60 सप्लाई है तो 60 डिमांड है, क्या ख्याल है, यस सर। यानी कि जो डिफरेंस था ना, जो डिफरेंस था वो गवर्नमेंट ने डिमांड बढ़ा के पूरा कर दिया, यानी कि अगर डिफरेंस 40 का आ रहा था ना, 20 बिक रही थी और 60 सप्लाई हो रही थी, यानी कि 20 डिमांड हो रही थी, तो जो 40 का डिफरेंस बीच में आ रहा था वो गवर्नमेंट ने उठा लिया और आपकी इक्विलिब्रियम पे आ गया, अब प्राइस वहीं पर ही उससे कम चार्ज नहीं होगी, अब 110 पे बिकेगी क्योंकि शॉर्टेज वो सरप्लस तो है नहीं, ये भी हो सकता है। बहरहाल ये इतना ही आपको बताना था, तो अगर तो इफेक्टिव है लेकिन इसमें गवर्नमेंट के इदारों की री एनफोर्समेंट जरूरी है, विजिलेंस जरूरी है, अदरवाइज
इफेक्टिव होने के बावजूद भी वो अपने पर्पस को अच्छे तरीके से सर्व नहीं कर पाएगी। मतलब कुछ लोगों का फायदा करेगी, कुछ का नहीं होगा। इस तरह मैक्सिमम प्राइस में भी कुछ लोगों का फायदा होगा, कुछ कंज्यूमर का फायदा होगा, कुछ का नहीं होगा। गवर्नमेंट विजिलेंट होगी तो सबका होगा। इसी तरह प्रोड्यूसर के केस में कुछ प्रोड्यूसर्स का फायदा होगा, कुछ का नहीं होगा। गवर्नमेंट विजिलेंट होगी तो सबका फायदा हो जाएगा, सारे प्रोड्यूसर्स का। जी कोई क्वेश्चन है आपका? नो नो। अच्छा इसी तरह से मैंने आपको वो डी मेरिट, अच्छा दूसरा मैंने डी मेरिट का बता दिया ना, कंजम्पशन कम होनी है, वो तो हमें नजर आ ही रहा है कि कंजम्पशन जो है वो कम हो रही है। अच्छा आगे चलते हैं हम। ये हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, 2.11 पहले किया था। अब मैं आपको क्वेश्चन और एमसीक्यू भेजूंगा 2.10 के, और वो आप अच्छे से इसको कर लीजिएगा। थोड़े से ट्रिकी होते हैं क्योंकि अभी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, यानी कि एक एक लाइन का एमसीक्यू नहीं होता और काफी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दी होती है हमने। अच्छा जी आगे हमारे पास अब आ गया, हमने दो यूनिट्स कर ली हैं, यूनिट 1 यूनिट 2। अब हमारे पास आ गया यूनिट 3, और अभी तक हम माइक्रो इकोनॉमिक्स ही कर रहे हैं। इसके बाद चैप्टर 4 है, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही आता है, और फिर हम मैक्रो पे जाएंगे, 5, 6, 7, 8 जो चैप्टर आते हैं। और आपने तो खैर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैंने एमसीक्यू दिया था अभी आपको पीछे ही, तो आपने जो कि इस चैप्टर का वैसे ऐसा उस तरह से बनता नहीं था इन यूनिट्स का, लेकिन आपने फिर भी अच्छे से कर लिया। इसका मतलब आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में फर्क बहुत अच्छे से पता है ना। जी सर। अच्छा अब ना ये हमारे पास अगला चैप्टर आ गया, यूनिट 3.1, मनी एंड बैंकिंग। अच्छा अब इसमें हम पहले ऑफ कोर्स मनी की बात करेंगे, और उसके लिए मैं आपको स्लाइड शो की तरफ लेके जाऊंगा। अच्छा अभी ऐसे करते हैं, 37 हो गए ना, तो आप ऐसा करो दोबारा से ज्वाइन कर लो। ओके सर।